हेलो एंड वेलकम टू फोरेक्स फॉर अनबॉक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो के न्यू स्मार्टफोन की। तो उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो के ओप्पो रेनो 5 प्रो। तो आज हम उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे। तो हम चलते हैं फ़ोन की रफ्त। तो फ़ोन स्क्रीन की बात करें तो इसके अंदर आपको 6.5 इंच का स्क्रीन मिल जाएगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में। जैसे कि इसके रिफ्रेश रेट की बात करें तो जैसे कि आपको ओप्पो रेनो 4 प्रो में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल गया था, वैसे ही ओप्पो रेनो 5 प्रो में भी आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें गोरिल्ला ग्लास 6 का भी प्रोडक्शन मिल जाएगा। अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 768G का प्रोसेसर है 7 नैनोमीटर के साथ। बढ़ते इसके कैमरे की तरफ तो इसके अंदर कैमरे के अंदर आपको 3 ही कैमरे देखने मिले थे, जैसे ओप्पो रेनो 4 प्रो के अंदर आपको 4 कैमरे देखने मिले थे, पर इसके अंदर आपको ओप्पो रेनो 5 प्रो के अंदर 3 ही कैमरे देखने मिलेगा। पहला कैमरा 64 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, सेकेंड कैमरा है 60 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, थर्ड कैमरा है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। अगर हम इसकी सेल्फी कैमरे की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा देखने मिलेगा इसके अंदर। अगर हम इसके बैटरी की बात करें तो 4200 mAh का बैटरी मिल जाएगा। और इसके चार्जिंग सपोर्ट की बात करें तो जैसे कि आपको ओप्पो रेनो 4 प्रो के अंदर 65W का फास्ट चार्जर सपोर्ट मिल गया था, वैसे इसके अंदर भी आपको 65W का फास्ट चार्जर सपोर्ट मिल जाएगा। अगर हम इसके रैम और स्टोरेज की बात करें तो 8GB और 12GB रैम है, और स्टोरेज 128GB और 256GB स्टोरेज है। तो हम इसकी अब बात करेंगे प्राइस की। तो जैसे कि इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया, इसके अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और इसका गोरिल्ला ग्लास सिक्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। ये 5G आने वाला है। इसका चार्जर का भी सपोर्ट इसका अच्छा है 65W का। तो मेरे हिसाब से ये इंडिया के अंदर 42,000 के अराउंड आ सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।